नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, लेकर हाजिर हूं मुंबई की आवाज। आज हम बात कर रहे हैं मलाडिस्ट में मकरानी पाड़ा की। ये सारे लोग समस्या से ग्रसित हैं क्योंकि विकास नहीं हुआ और जो वादा किया था नगर सेवक ने, सांसद साहब ने, एमएलए साहब ने, शायद कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं लोग। आप क्या कहेंगे अभी जो भी शिकायतें आ रही हैं सामने? ये तो जायज बात है, यहाँ पर कचरा डालने का तो बंद कर दिया, बाकी उसके लिए कोई समस्या हल नहीं किया। अभी ये सब बाल बच्चे वाले परेशान हो रहे हैं, हमारी बहनें माताएं कचरा डाले तो कहाँ डाले, सुबह एक टाइम आता है वो तो आगे चला जाता, बाकी दिन भर का कचरा पड़ा रहता घर में, कैसे रखिएगा छोटा घर में। बड़ी समस्या है और आने का जाने का रास्ता भी बिल्कुल इन्होंने किया नहीं है। गटर तो बना दिया, गटर से आने जाने का जो रास्ता जो होना चाहिए वो भी नहीं बनाया उन्होंने। ये उन लोगों की बात वाजिब है और जायज है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे कोई आने जाने का रास्ता भी हुआ है। वो सलाह जी को भी बोला तो अभी तो वो ना साहब को भी जाके बोला चौकी में, अभी तो कोई काम नहीं हुआ। ये समस्या है, मतलब आपको लगता ही नहीं कि कोई साथ देने वाला है? कोई अभी तक कोई काम नहीं। शेख साहब, आपको लगता है कि वाकई जो उम्मीद की गई थी जनता द्वारा, जो जनता से की गई थी अच्छे दिनों आने वाले, अच्छे दिन तो जनता के नहीं आए। अगर जनता के अच्छे दिन आते तो ऐसे रोड पे नहीं धूप में बैठे रहते थे। अच्छे दिन सिर्फ मोदी जी के आए हुए, जो बीजेपी से हर देश, हर विदेश, हर गांव, हर मोहल्ले घूम रहे और हमारी जनता के ऊपर उनका कुछ ध्यान नहीं। रही कचरे की बात, जो कचरे से हमारे बच्चे इतने प्रभावित, इतने परेशान होते, जिनको बीमारी टाइफाइड, फूड, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी का हल वो कचरा पैदा करता है। अगर हम दत्तक बस्ती और महानगर पालिका को खुद हैंड ओवर करके और हमारे काम दौड़ के भाग दौड़ करें उनसे लेके और हमारी साफ सफाई का हल हम खुद करें, तो हमारी जो साफ सफाई अभियान का जो मोदी जी ने मोहिम चलाया, वो मोहिम चलाने की उनको जरूरत नहीं, हमारे आम जनता के अंदर इतनी ताकत है जो आम अपना मोहिम खुद चला सकते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। तो जनता में इतनी शक्ति है कि जनता किसी नेता के भरोसे काम नहीं करती। जनता अपनी जिंदगी खुद जीती है, खुद कमाती है, जनता खुद मेहनत करती है और रोटी के लिए जो भी वक्त मिलता है रोटी खाती है। लेकिन यहाँ पर रोटी खाए कैसे, क्योंकि समस्याएं जो है ना, सफाई है ना कोई व्यवस्था है, जाहिर तौर पर हर कोई परेशान है यहाँ पर। और यही कारण है कि आज मुंबई की आवाज के जरिए इनकी जो तकलीफ है, जो दर्द है, उसको हम आपके सामने ला रहे हैं। मैडम, आप नाम बताइए अपना। पिंकी शेख। पिंकी जी, आप किस तरह से महिलाओं की समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं को तो ज्यादा समस्या है यहाँ पर। हमने उन लोगों को बुला के, मैंने खुद उन लोगों के पास से पर्सनल जाकर मैंने उन लोगों को बोला कि एक कचरे का डब्बा वहाँ पर रखो। उन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि सारी लेडीजों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। उसके बावजूद वहाँ पर विनोद शेलार का फोन आ रहा है कि इन लोग की समस्या तुम हल मत करो, वो समस्या हम देख लेंगे। तो वो गलत बात है कि नहीं? आज लेडीजों को जाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखा दें कि आजकल पानी की समस्या की बात की जा रही है मुंबई में, लेकिन देख सकते हैं आप कि किस तरह से पानी यहाँ पर, पानी को यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है। भले ही भले जो भी उनका तर्क होगा वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पानी की कमी का रोनर होती है बीएमसी की, पानी की तकलीफ है, ये क्या है आपके मोहल्ले में? इस तरीके के ऐसे वाक्य पूरे मुंबई शहर के अंदर है, और तो आपके इत्तेफाक से आपकी नजर पड़ गई, पूरे मुंबई शहर का इसी तरीके से हाल है। जो महानगर पालिका में जो सत्ताधारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बैठे हैं, एक दिन तो ऐसा आगा अगर इनका बस चले तो मुंबई शहर के लोग पानी की एक एक बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। इसी तरीके की जो समस्या हमारे मोहल्ले में पानी की है, लेकिन हम एक ही साथ पूरी समस्या बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोग इस कचरे और एक मैदान के रास्ते की वजह से इतने परेशान है। लेकिन मैं बोल दूं, परत दर परत यहाँ की समस्याओं को मैं आऊंगा और वाकई बार बार उठाऊंगा, तब तक उठाऊंगा जब तक कमल का फूल खुशबू देना नहीं शुरू करेगा। जी, यहाँ पर इन लोगों ने बहुत कोशिश करे, विनोद शेलार है हमारे, वो हमारे साथ आना चाहिए, लेकिन हमारी पूरी पब्लिक उन लोगों के साथ नहीं है। पूरी पब्लिक हमारे साथ है और हम एक है और हमेशा एक ही रहेंगे, कितना भी तोड़ने की कोशिश करेंगे नहीं होगी अलग। आप तो एकदम सोनिया गांधी जैसी बात कर रहे हैं, वाह गुड। आप बताइए, आप क्या कहेंगी यहाँ की समस्याओं की अगर हम बात करें? हमारा मोहल्ला है, वार्ड नंबर 41 है, जिसके नगर सेवक विनोद सेलार है। ये आप सड़क देखिए, इधर बनाने ने हमने उनको बोला है, निवेदन किया है, रिक्वेस्ट किया है, उनसे कहा है हमने कि यहाँ का रोड बनाए, तो बोले हम यहाँ का रोड नहीं बनाऊंगा। अच्छा, वहाँ का देखिए आप, वहाँ पे गटर बनाया है लेकिन वहाँ पे इमरजेंसी गाड़ी आ जा सकती नहीं है। क्यों?
कभी लेडीज प्रेग्नेंट हो गई, कभी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई, फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ गई, पुलिस स्टेशन की जरूरत पड़ गई, कोई गाड़ी वहां से आ जा सकती नहीं है। सेकेंडली, ये शौचालय है हमारे पीछे, हमारे एनजीओ के अध्यक्ष मिस्टर हुसैन शेख ने अपने खर्चों के बल पे उधर पे लाइट लगाई। बुजुर्ग लोग आते जाते थे वहां पे, वो गिरते थे वहां पे, बच्चे लोग की हड्डियां टूट जाती थी। तो उन्होंने जो काम विनोद सेलर को करने का था, वो काम हमारे एनजीओ मिस्टर अध्यक्ष हमारे हुसैन शेख ने काम किया है वहां पे। आप आइए, आप आइए, आपका आना इसलिए भी जरूरी है कि जो काम नगर सेवक का होता है वो हमारे अध्यक्ष ने, आप बताइए जो काम नगर सेवक को करना चाहिए आपने क्यों किया ये सब? हम हमारे मोहल्ले के लिए कर रहे हैं, नगर सेवक के ऊपर डिपेंड नहीं है। हम लोग के नगर सेवक करेगा तो ये काम होगा, और इसीलिए ये लोग बैठे हैं यहाँ पर कि भाई अगर आप लोग नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, 5 साल आप बैठे बहुत बड़ी बात है, 1 साल है तो आपको मकरानी पाड़ा दिख रहा है काम करने के लिए। अब 6 महीने बाद जब लग जाएगी आचार संहिता तब आप क्या करोगे? यहाँ पे कुछ रहने वाले 4-6 है गुंडे जो उनका साथ देते हैं और अपनी दादागिरी चला रहे, ठीक है चलाइए, लेकिन जब जनता एक हो जाएगी और जनता जब अपने हाथ में ले लेगी पूरा कायदा तब क्या करोगे? अब जनता ये दिखाने के लिए यहाँ मौजूद है कि आप अगर रास्ता नहीं दोगे, आप अगर कचरे का डब्बा नहीं लगाओगे तो मकरानी पाड़ा पूरा एक होकर वो डब्बा भी लगाएगा और वहां से रास्ता भी निकालेगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आपका पसाऊ का मटमा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या कहना है? वाकई आप लगातार लोगों के बीच जाते हैं, ये जो समस्या है क्या आपको क्या लगता है कि वाकई इच्छा शक्ति नहीं है या फिर सरकार उनके साथ नहीं है, क्योंकि पावर तो उनके पास है? सर आप न्यूज चैनल से ताल्लुकात रखते हैं, सबसे पहले मैं पानी के बारे में जो अभी बातचीत आपने छेड़ी कि पानी का जो वेस्ट हो रहा है उसके बारे में जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मुंबई शहर में कोई तालाब भरा है पिछले 25 सालों में? अच्छा सवाल है, आप बताइए, आप न्यूज से रिलेटेड है, क्या मुंबई शहर में पिछले 25-30 सालों में कोई शहर में तालाब भरे, कोई जल बुझाए गए? इतना तो जानता हूं मैं, लेकिन बढ़ाए नहीं गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, यदि कोई पाइपलाइन 2 या 3 साल पहले डाली गई है और उसको अभी तुम नूतनीकरण मतलब नवीनकरण कर रहे हो, जो पहले समझो 6 इंच की थी अभी तुम उसको 12 इंच का कर रहे हो, तो उसके पीछे मकसद क्या है? सबसे पहली बात, यदि 6 इंच में पानी कम आ रहा था तो 12 इंच में और कितना कम आएगा? वही रोड अभी इन्होंने 6 महीने पहले बनाए, वापस उसको तोड़ा गया, तो पाइपलाइन को एक दिन में तो बीएमसी का सेंक्शन नहीं हुआ कि उन लोग एक ही दिन में वापस पाइपलाइन के लिए खोद दिए। तो मेरा ये बोलना है ठेकेदारों का खर्चा बताते हैं, ठेकेदारों का भला होगा उसमें, ठेकेदारों का भला और साथ में उसमें मिली भगत हो सकती है, हमारे स्थानीय नगर सेवक हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो कंक्रीट रोड है वो केंद्र ने फंड किया था, ठीक है, फिर उसके बाद अपने रोड पूरे बना दिए, फिर उसको वापस खोदे और नया पाइपलाइन डाल दिया, मतलब तुम खर्चा दिखाओगे तो तुम कमा पाओगे, नहीं तो नहीं कमा पाओगे ना। तो मेरा यही बोलना है कि जो आप ये ढोंगबाजी कर रहे हैं 6 लाइन से 12 इंच, फिर अगर इससे चाप तालाब बढ़ाइए ना बॉम्बे शहर के वासियों के लिए। पब्लिक नाराज है शलार साहब, हम आपके पास भी आएंगे और पूछेंगे आपसे कि वाकई आपने ये जो सारे आरोप हैं उसका जवाब क्या देंगे, आप जरूर आएंगे आपके पास, तैयारी रखिएगा, आप बताइए। राष्ट्रवादी के अध्यक्ष हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष श्री मंसूर खान है, जो इनके माध्यम से ये सब काम हो रहा है, इनको भी फोन की धमकी आ रही है, मारने की धमकी आ रही है इनको भी, तो अगर ऐसी धमकी आएंगी तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे हमारा सब ये होगा, निवारण होगा सब चीज का? यानी हमारे अध्यक्ष हमारे एनजीओ के बुड्ढा भाई जिसको कहते हैं हुसैन शेख, वो अपने पैसे से अपने बजट से पूरा काम कर रहे हैं, तो सर विनोद सेलर की क्या जरूरत है हमको? विनोद सेलर कुछ नहीं कर रहे, कितने लोग चाहते हैं कि जरूरत नहीं है उनकी, हाथ उठा के बताइए। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि नगर सेवक साहब जो है आप बोलिएगा, बस कुल मिला के विनोद शेलार को जनता ने चुना है और जनता को परेशानी जो हो रही है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने अच्छा काम किया होता तो शायद ये मुंबई की आवाज करने की नौबत नहीं आती, लेकिन सच्चाई यही है कि जनता जो है वो नाराज है, खुश नहीं है, और मुझे पर्सनली कोई खुन्नस आपसे नहीं है विनोद शेलार साहब, हमने जिस तरह से एक मुहिम चलाई है मुंबई की आवाज़ के जरिए, आम लोगों की सवालों को भावनाओं को उठाते हैं उसकी कोशिश है। आप बताइए आप कितनी परेशान हैं, क्या नाम है आपका? हमारा अनिफा। आप बताइए क्या कहेंगे? हम इधर चावल अच्छा नहीं देता है, गेहूँ भी अच्छा नहीं देता है, अच्छा उधर बाहर जाएंगे कचरा भी फेंकने नहीं देता है और कुछ नहीं, और इतना परेशान करता है कि कचरा भी डालने नहीं देता। क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, बहुत शॉर्टकट में बोल रही हैं। आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे, अगर महिलाओं की अगर हम सुरक्षा की बात करें, जिस तरह से खान साहब ने कहा कि यहाँ पे कोई इमरजेंसी का रास्ता नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये जो पूरी व्यवस्था है
वो कुछ सुनने की कोशिश नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही है सुनने की। हमने विनोद शेलार से बहुत रिक्वेस्ट भी किया, बिल्कुल भी वो सुनने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर ये मसला हमारा हल नहीं होता है, ये रस्ते का या कचरे का, तो हम भूख हड़ताल पे 2 दिन के बाद में बैठ जाएंगे। सारे रस्ते हमने अजमा चुके हैं, अब ये भी अजमा के देख लेंगे शायद वो क्या चाहते हैं हमारे लिए। लोकतंत्र में बड़ी आजादी मिली हुई है अभिव्यक्ति की, जाहिर सी बात है समय बहुत कम है लेकिन मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बार बार हम यहाँ आएंगे और यहाँ की समस्याओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बताइए क्या कहना है आपको, आज जो भी परेशानी है मराठी चालेल। हम लोग को ये परेशानी है, ये सब मैदान में सब खड्डे खुड्डे है, हम लोग रात रात में हम लोग बाथरूम जाना पड़ता, तबीयत खराब होती है, तो यहाँ सुविधा होना चाहिए। और पानी आता है तो क्या 5 बजे आता है, 6 बजे जाता है पानी, 7 बजे, तो उतने पानी के भी सोई होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? वही कचरे के बारे में, कचरे का कुछ हल निकालना चाहिए, वहाँ तो डब्बा रखो, साफ सफाई रखो इसको, और ये खड्डे अड्डे सब जो है इसके बारे में बोलना है बस। आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे? जी हमारे मन में भी यही सवाल है कि हिंदुस्तान को साफ सफाई से रखना चाहता है, ये बात तो सही है, हम चाहते हमारा एरिया भी साफ रहे, मगर एरिया साफ रखेगा, मैदान साफ रखेगा, अगर हम हमारे गंदे घर को गंदा करेंगे तो हमारे बच्चे बूढ़े जो सब है वो सब कहाँ जाएंगे, बीमारी के शिकार। सिर्फ धुएं वाला हफ्ते में अगर तुम 2 बार भेज दोगे और बीमारी लेके तुम कब्रिस्तान जाओ या तो फिर शमशान चले जाओ, तुम सिर्फ यही रास्ता दिखा रहे हो कि बीमारी लो और वहीं पहुंचो, क्योंकि मोदी जी तो घूमेंगे देश देश। हाँ क्योंकि हमारे तो रेलवे की भी टिकट हमको अगर रिजर्वेशन कराना तो गरीबों को सोचना पड़ता है। कब्रिस्तान और शमशान जाने की बात करें, क्लाइमेक्स होता है लाइफ का ना, तब ये वक्त आता है कि कहाँ जाएं हम। लेकिन खान साहब जो भी समस्याएं हैं आप किस तरह से आने वाले दिनों में अपनी भूमिका को सबके सामने लाएंगे? मैं हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमारे मुंबई अध्यक्ष सचिन भाव आहिर, हमारे जिला के अध्यक्ष इंद्रपाल जी और हमारे यहाँ के विभाग के नेता श्रीकांत मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अभी तो ये शुरुआत की है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग पहले तो शांति से एक बार सभी के साथ हम उपोषण पे बैठेंगे, उसके बावजूद अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग विशाल मोर्चा लेकर महानगर पालिका हो या डिंडोशी पुलिस थाने हो उसमें जाकर हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे। और इनका कहना ऐसा है, नगर सेवक का MP हमारा है, MLA हमारा है, नगर सेवक हमारा है, मुख्यमंत्री हमारा है, प्रधानमंत्री हमारा है, आप तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, जब जनता क्रोधित हो जाती है ना तो नगर सेवक हो, MP हो, प्रधानमंत्री हो, खुर्ची खसकने पर कभी टाइम नहीं लगता, इतना याद कीजिएगा आप लोग। तो मकरानी पाड़ा में आपने सुना कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से जनता खुश नहीं है, नाराज है, क्योंकि एहसास हुआ ही नहीं इनको कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली जो सरकार बनी उसने लोगों की भावनाओं को समझने का काम किया। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम जो भी इसमें नाम लिए गए हैं हम उनका भी पूरा पक्ष रखेंगे ताकि उनको भी बोलने का मौका मिले। लेकिन जो इनका जो पक्ष है वो हमने आपके सामने रखा है। अब विनोद शेलार जी के पास हम जाएंगे, गोपाल शक्ति जी के पास जाएंगे, अतुल जी के पास जाएंगे और वजह जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई यहाँ की जो समस्याएँ हैं उसको लेकर वो परेशान क्यों नहीं होते, क्यों सिर्फ जनता ही परेशान हो। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। तो आज का सफर यहीं तक, हमारे कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी अभिनीत राजपूत को दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग समस्या के साथ, तब तक नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं, इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।